अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DL एड BTC द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो सीरीज आज पार्ट टू है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अति लघुतरी प्रश्नों को कवर करेंगे और पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सबको हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमने जैसा पार्ट वन में आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था, पार्ट टू में आज आप लोग अति लघुतरी देखेंगे और पार्ट थ्री में दोस्तों हमारे लघुतरी प्रश्न देखे जाएंगे। तो बस हम लोग तीन वीडियो दोस्तों कवर करेंगे, तीन वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और आपको जैसा बताते दोस्तों, ये जो आपका पेपर आता है ये आपका 50 नंबर का आता है, जिसमें से दोस्तों आपके 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 नंबर के अति लघुतरी प्रश्न और 20 नंबर के लघुतरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 25 नंबर दोस्तों आपको पास होने के लिए नंबर लाने पड़ते हैं। तो आपके इस वीडियो से आपको 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का फायदा मिलेगा, 15 नंबर के अति लघुतरी, और हो सकता है कुछ आपको दोस्तों लघुतरी प्रश्नों का फायदा मिले। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। नोट्स बनाना तो आप बना सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुतरी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालित मतलब संचालन समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा हमारा प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ये योजना आपका 1987-1988 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम या पीमोस्ट का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों में से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। SOPT का कार्यक्रम का दोस्तों आपको पूरा नाम बताना है। तो SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम होता है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी? तो दोस्तों ये जो संचालित किया गया था ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु किया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? तो ये दोस्तों आपकी 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी थी। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल दोस्तों आपके 3 अंग हैं। पहला दोस्तों संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा गुणात्मक गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, तीसरा दोस्तों आपका बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। फिर दोस्तों हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया? यह दायित्व दोस्तों प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं डाइट पर है। ठीक है, आपके दोस्तों डाइट कॉलेज में बच्चे होते हैं उन पर होता है ये, मतलब वहाँ के टीचर्स पर दोस्तों के अच्छे बच्चों को तैयार करना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, DPEP का पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों 1994 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए थे? तो दोस्तों आपके इसमें कुल 22 जिले चुने गए। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ होता है? देखिए दोस्तों, इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका पूरा दूसरा नाम मतलब दोस्तों होता है आपका विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पहले समझ जाइए, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं और इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। फिर विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? तो विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। फिर अगला क्वेश्चन, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है, इसको आपको बताना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखें रेडीनेस। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा केरल। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? देखिए, जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपका वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है।
फिर सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? देखिए, इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता इसमें देती है। फिर दोस्तों बात बारी आती है आपकी दोस्तों एनपीई जीईएल, ये दोस्तों क्या होता है, मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। फिर दोस्तों वही क्वेश्चन, एनपीई जीईएल का क्षेत्र आपको बताना है। तो इसमें देखिए, महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिक बस्तियां, ठीक है ना, मलिन बस्तियां दोस्तों होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? ये देखिए, आपका जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न क्या रहा, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से दोस्तों लेकर 30 जुलाई तक यह चलाया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यह योजना 2004 और 5 से प्रारंभ की गई। बालक बालिकाओं के अधिकारों को हनन के हनन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों लोग बाल श्रम कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, ठीक है ना। फिर दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई थी? यह 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है। फिर अगला क्वेश्चन, बालक अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है। पहला दोस्तों, 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए एक विद्यालय होना चाहिए। बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। बालकों का मतलब भाई आप प्रताड़ना मत दीजिए ना मानसिक लेवल पर। अगला क्वेश्चन है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन छूट प्राप्त है? तो दोस्तों ये आपकी कोई भी ऐसी छूट प्राप्त नहीं है, ठीक है, आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। फिर मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? देखिए, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय कि एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या है आपको ये बताना है। कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सके। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? ये दोस्तों आपकी अनुदान प्रणाली है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख आपको करना है। पहला दोस्तों है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो पहला दोस्तों हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा केंद्र सरकार की भागीदारी। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो यह दोस्तों था छात्रों की शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। ये सब क्वेश्चन देखिए 2015 में आपके पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। अगला क्वेश्चन है कि एनपीईजीईएल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखने है, तो शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना, ये लड़कियों के लिए दोस्तों का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीपीईपी परियोजना के कार्य आपको लिखना है। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बालकों में और विद्यालयों में दोस्तों बच्चों का ठहराव होना चाहिए, दो चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? सन 1781 में, मतलब प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। अगला क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? सन 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से भारत, मतलब बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी आपको ये बताना है। तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई।
अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे, आपको ये बताना। तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया है? विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या विचार व्यक्त किए? शिक्षक ही समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अतः उसकी नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों, उन्नति की सुविधाओं आदि से संबंधित नीतियां निर्धारित की गई हैं। शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सेवाकालीन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अगला प्रश्न क्या रहा, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य वह नीति से जो कि किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक उत्थान को स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना है या नहीं? देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया है। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा है? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा है? नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा है? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाए। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि नौ साक्षरों के विषय में रेड्डी समिति ने क्या कहा है? नौ साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई थी? तो जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देने के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का भी बोझ है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। बचपन में ही बच्चों के लिए विवशता क्या है? देखिए, बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है, परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया था? देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने से के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट सामान्य को
मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 1994 में किया गया। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि SOPT कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया था? प्रतिवर्ष 2.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रतिवर्ष था एवं 1993 से 1994 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। तो इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों या वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया था तथा लगभग 5,000 ग्रामीण की क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य आपको बताना है। इसके अंतर्गत राज्य जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के क्षेत्र लेकर 14% के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों DPEP परियोजना के 2 कार्य आपको बताने हैं। इसके 2 कार्य देखते हैं। पहला दोस्तों आता है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। दूसरा विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास्य अवरोध में कमी लाना है। फिर अगला प्रश्न क्या रहा, DPEP परियोजना के उद्देश्य आपको बताने हैं, ठीक है ना। क्षेत्र लेके 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना था। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है, इसको जरा देखते हैं। तो इसका दोस्तों प्रेरक वाक्य एक पढ़ाए एक है, श्री रामपुर त्रिमूर्ति, ठीक है ना। त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है, तो श्री रामपुर नामक स्थान से 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जो सुबह मार्थ मैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? तो दोस्तों इसका देखिए वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधन किए गए। अगला क्वेश्चन क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई, इसको बताना है। देखिए पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों की विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? देखिए दोस्तों उक्त परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों प्रथम का प्रारंभ वर्ष 1997 से हुआ था। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्र स्तर पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? इस परियोजना के संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? तो बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर से बालिका, बाहर की मतलब बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल्य माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? देखिए यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? तो बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, कुल 10 राज्यों में चल रही है। बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है?
देखिए, प्रारंभ के 8 साल यानी 6 से लेकर 14 वर्ष का समय सभी बच्चों जाति लिंग वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में कौन सी शिक्षा, मतलब कौन सी दोस्तों कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? तो वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की। फिर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किस किस ने बल दिया? तो हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच। फिर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? तो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ का था। ठीक है दोस्तों, किसका था? गायकवाड़ का। अगला क्वेश्चन है क्या? बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो 1910 में गोखले के अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया था? तो दोस्तों, ये आपका रखा गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसजन मतलब सर्वजन सुलभ बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया है? तो समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाने पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया है। फिर इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या है? भवन तथा शैक्षिक संस्था से को मतलब सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार होना। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारी संसद ने 86वें संशोधन मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया? अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप से देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अनुच्छेद 51 का में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। अब तो दोस्तों हो सकता है कि आपके जम्मू कश्मीर में भी होगा, क्योंकि आपको पता है ना, अब सबको धारा 370 हट चुका है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? देखिए, इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक का हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी? 1993 में दोस्तों बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। फिर दोस्तों देखिए, आईटीआई 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? तो जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त तो उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। फिर शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? तो दोस्तों इसके प्रथम अध्याय का नाम परिप्रेक्ष्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के द्वितीय अध्याय का नाम दोस्तों बताना है। तो इसके द्वितीय अध्याय का नाम सीखना और ज्ञान है। इसके दोस्तों तृतीय अध्याय का नाम पूछा गया, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तृतीय अध्याय का नाम बताइए। तो इसके तृतीय अध्याय का नाम दोस्तों पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन है। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के चतुर्थ अध्याय का नाम आपको बताना है। तो इसके चतुर्थ अध्याय का नाम विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। और दोस्तों फिर इसके पंचम अध्याय का नाम पूछा गया है। तो इसके पंचम अध्याय का नाम व्यवस्थागत सुधार है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फिर दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी का हमें पूरा नाम क्या है और यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रित करती है? तो दोस्तों देखिए, इस संस्था का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है।
यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? तो दोस्तों यह संस्थान आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। आप प्रयागराज ही लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में बीटीसी की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों आपको पता होगा पीएनपी या परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक ना? आप लोग हमेशा सुनते होंगे पीएनपी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपके वाराणसी में स्थित। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? तो दोस्तों ये 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में इसकी स्थापना हुई। प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से हैं? इसका देखिए अध्यापन हो गया, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन। प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व आपको लिखना है। विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य हो गया। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा, विद्यालय प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? विद्यालय प्रबंध समिति के 15 सदस्य होंगे, जिनमें दोस्तों 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी, ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। देखिए शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, विद्यालय विकास योजना क्या है, इसको जरा देखते हैं। तो विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक योजना है। फिर अगला क्वेश्चन, मीना मंच का गठन क्यों किया गया है? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया है। इसका गठन दोस्तों देखिए NPEGEL मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन, मीना मंच के आपको उद्देश्य बताने, इसके उद्देश्य जरा हम लोग देखते हैं कि देखिए पहला उद्देश्य है कि बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, दूसरा नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास होना, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, चौथा है रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत, पांचवा विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, छठा है दोस्तों बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान, सातवां बाल विकास की रोकथाम, ठीक है बाल विवाह मतलब, ठीक है, आठवां दोस्तों बचत हेतु प्रोत्साहन। तो सातवां जरा ध्यान रखिएगा, बाल विवाह की रोकथाम है, ठीक है ना, कि शादी ना होने पाए बचपन में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार। फिर अगला क्वेश्चन, जेंडर संवेदीकरण से क्या आते हैं? देखिए हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए, परिवार में बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है, बालिकाओं की अपेक्षा बालक की पढ़ाई खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यही दोस्तों आपका जेंडर संवेदीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, लिंग भेद के मुख्य कारण आपको बताने हैं। इसके मुख्य कारण देखते हैं, बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना, दूसरा दोस्तों छोटी उम्र में विवाह कर देना, तीसरा घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी देना, चौथा कि छोटे बच्चों की घर में देखभाल करना, पांचवा है कि अभिभावकों की आर्थिक तंगी, छठा है कि बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा, ठीक है उपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय अभिलेखों का आपको महत्व लिखना है। अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है, अभिलेखों के माध्यम से ही योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है, भावी योजनाओं के निर्माण में ये सहायक होती है। अगला प्रश्न क्या रहा, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए, कक्षा जैसे नमन है कक्षा 8 का छात्र है, और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला बच्चा ही उत्तीर्ण होगा, तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यही दोस्तों आपका न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाएगा। वैसे दोस्तों आपका डीएलएड में क्या होता है, 50% नंबर लाने पड़ते हैं, जैसे दोस्तों आपका पेपर 50 नंबर का होगा तो आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि 3N जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? देखिए 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री 3N जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको बताना है। तो
तो हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से जाना जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ आपको ये बताना है। तो दोस्तों वर्ष 2007 से ये प्रारंभ हुआ। फिर सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। इसके उद्देश्य देखते हैं, वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश करना। दूसरा, सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको जरा देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य मतलब प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर, बैक टू स्कूल कैंप में होना चाहिए था। अपव्यय का आपको अर्थ बताना है। तो अपव्यय का अर्थ देखते हैं, इसका देखिए शाब्दिक अर्थ है व्यर्थता अथवा फिजूल खर्ची। शिक्षा में अपव्यय का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला विद्यालय लेने के पश्चात उसे पूरा किया बिना बीच में छोड़ देता है। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अपव्यय। जैसे नहीं तो आपने कॉलेज में स्कूल में दाखिला लिया उसको बीच में छोड़ दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अवरोधन का आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ जरा देखते हैं, अवरोधन का शाब्दिक अर्थ होता है अवरोधन मतलब अवरोध अथवा रुकावट या रुकावट का आ जाना। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जब कोई बालक एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहा जाता है। छात्र के अध्ययन क्रम में रुकावट आ जाती है, ठीक, जो दोस्तों अध्ययन होता है उसमें रुकावट आती है। भारत में इस ओर हरटांग कमेटी ने सर्वप्रथम 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। देखिए हरटांग कमेटी के अनुसार अवरोधन से हमारा तात्पर्य है कि किसी बच्चे का निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न योजनाओं के पूरे नाम आपको बताना है। जैसे दोस्तों पहला हो गया आपका ओबी, ओबी का मतलब होता है आपका हिंदी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। फिर एसओपीटी मतलब स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। फिर डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हो गया। एनईपी जीईएल मतलब दोस्तों नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है ना। इसका जरा आप फुल फॉर्म लिख कर याद कर सकते हैं, जैसे भी याद कर सके याद करना है। तो अगला प्रश्न क्या है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। देखिए अब ये सब प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आ चुके हैं, जरा इसको देखेंगे। 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा हमारा केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। तो दोस्तों ये संविधान के 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है था। तो कंपनी के दोस्तों आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसका पुनरावर्तन किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता है। देखिए मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों में नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग या बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासक का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था, यह आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था। तो इसका अंतर होगा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई को बोझ को कम करना, ठीक है ना, करके उपायों के बारे में मतलब सलाह दे रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, देखिए दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों जरा इसके हम सुविधाओं को देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं। पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर शिक्षक उपकरण है, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। दूसरा कक्षा शिक्षण सामग्री मानचित्र ग्लोब चार्ट होना चाहिए। तीसरा खेल सामग्री व खिलौने। चौथा विज्ञान किट। पांचवा लघु यंत्र किट या पेचकस प्लास। छठा दोस्तों आपका श्रव्य उपकरण रेडियो। सातवां पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। आठवां विद्यालय घंटी। नवां संगीत उपकरण या ढोलक तबला एवं हारमोनियम। दसवां शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन होना चाहिए। ग्यारहवां कक्षा कक्ष होना चाहिए। बारहवां शौचालय। तेरह चौटाई। चौदह दोस्तों के आपका की कुर्सी शिक्षकों के लिए और पंद्रहवा ब्लैक बोर्ड। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि पी मोस्ट का पूरा नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है। पी से दोस्तों आपका प्रोग्राम है, एम से प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के आपको उद्देश्य बताना है। तो इसके उद्देश्य को हम देखते हैं, पहला उद्देश्य यह रहा आपका कि विद्यालय सुलभ कराना,
इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया था। दूसरा, नामांकन वर्ष 2000 तक क्षेत्र लेके 11 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं विद्यालयों में नामांकन कराना। तीसरा दोस्तों, उपलब्धि प्राप्त करना वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित कराना। चौथा दोस्तों आपका होता है सतत शिक्षा, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई थी, आपको यह बताना है। तो 7 राज्यों में दोस्तों 42 जनपदों में प्रथम चरण में कौन कौन से दोस्तों चयनित राज्य थे। इसमें पहला था आपका दोस्तों मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था। देखिए, ड्रॉप आउट की दर को 10% कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था। अब डीपीईपी दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखा था, आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो, तो डीपीईपी दोस्तों हमारा ये था, जरा देख लीजिए फिर से, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, ये था हमारा डीपीईपी। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि ईसीसीई शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में आपको पूरा नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई। तो दोस्तों ये आपके 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई थी। फिर आपके अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। पहला दोस्तों देखिए अनुसंधान एवं नवाचार है, दूसरा आदर्श पाठ्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। अगला प्रश्न क्या रहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 20 सितंबर 1985 में। फिर अगला क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो देखिए दोस्तों, कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। फिर आपका दोस्तों अगला था कि बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार को तैयार करना था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। देखिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में आपके मतभेद हैं। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वान के अनुसार मैकाले को भारत को दासता की जंजीर में जकड़ने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो देखिए, जरा दादा भाई नेहरूजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारता पूर्वक भूल जाना चाहिए, उसके अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं, अब कौन कौन सी बातें जरा इसको हम लोग देखते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेज शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा दोस्तों, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। तीसरा दोस्तों पॉइंट था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी ना छिड़ता। फिर देखिए, आपके मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का आपको लेख करना है। तो वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि सरकारी मतलब सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देसी विद्यालय का सुधार करे और मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए ताकि उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर में विद्यालय को छोड़ देना। और दोस्तों देखिए, टांग कमेटी के अनुसार अवरोध से हमारा तात्पर्य है कि बच्चों का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना,
भारत में एक बड़ी मात्रा में एक छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। दोस्तों देखिए, अपव्यय का मतलब अभी हमने यहाँ पर देखा भी था आपको, अलग से हमने क्वेश्चन बताया था, जरा इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर दोस्तों अपव्यय को समझा था कि अपव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है हमारा व्यर्थता अथवा फिजूल खर्ची भी है, ठीक है ना दोस्तों, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि पी मोस्ट कार्यक्रम का आपको पूरा नाम लिखना है। अभी दोस्तों हमने देखा था सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम या प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो SOPT कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 94 से किया गया सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, इसको संक्षेप में आपको लिखना है। तो इसके अंतर्गत राज्य जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। अगला क्वेश्चन, पूर्व माध्यमिक मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा इस स्तर के शिक्षकों को पढ़ना लिखना और गिनती ही केवल ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल कहानी गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के अग्रवत उद्देश्य हैं। तो कुछ उद्देश्यों को दोस्तों हम देखते हैं कि सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना था। सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। चौथा दोस्तों, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक शिक्षा, ठीक ना, प्रारंभिक शिक्षा पर मतलब ध्यान केंद्रित करना था। पांचवा, 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है, आपको दोस्तों ये बताना है, ठीक है ना। तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, देखिए हर एक प्रश्न आपके देखिए पेपर में पूछा गया, देखिए 2016 दोबारा पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आए थे। फिर भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है, इसको आपको बताना है। देखिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। पहला दोस्तों देखते हैं शासन की कमजोरी नीति, दूसरा राजनीतिक कठिनाइयां, तीसरा प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, चौथा है दोस्तों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, पांचवा शिक्षकों का अभाव, छठा अपव्यय व अवरोधन, सातवां आंकड़ों की भिन्नता, आठवां भौगोलिक कठिनाइयां शिक्षण का निम्न स्तर, और दसवां दोस्तों दोष पूर्ण कार्यक्रम है, ठीक है ना, पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में आपको संक्षेप में लिखना है। तो इस कार्यक्रम की रणनीतियां निम्नलिखित है, देखिए पहला दोस्तों बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, तीसरा वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, चौथा दोस्तों सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, पांचवा अध्यापक दक्षता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या रहा, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। तो पहला दोस्तों देखते हैं इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। दूसरा, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, न केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा दोस्तों, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। चौथा दोस्तों देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। पांचवा दोस्तों देखिए, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है अपितु लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है, कि लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि न्यूनतम अधिकतम स्तर से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग, न्यूनतम अधिकतम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ होता है, पहला न्यूनतम फिर अधिकम फिर स्तर को जरा देखते हैं। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थी द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। अधिगम मतलब अधिकम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। तीसरा स्तर, स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। तो न्यूनतम स्तर
अधिगम स्तर की परिभाषा दोस्तों कैसे बनेगी इसको जरा देखते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि महिला सामाख्या कार्यक्रम क्या है, इसको जरा आपको बताना है। इसको जरा हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला सामाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। महिला सामाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करके मतलब करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, ठीक दोस्तों, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए हास्य एवं अवरोध की समस्या को कम करने हेतु, ठीक है ना, इसके उद्देश्य थे दोस्तों शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त सन्मुत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। विद्यालयों के अनाकर्षक वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त, ठीक ना, अपर्याप्त भवनों, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई है। अब इसका जरा दोस्तों हम उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है हमारे, इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ओबीबी के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पहला दोस्तों पॉइंट आता है कि दो बड़े पक्के कमरे जिसमें सामने बरामदा हो। दूसरा, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें एक महिला हो। तीसरा, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री हो। फिर अगला प्रश्न क्या रहा कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आपका क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। अपव्यय देखेंगे दोस्तों, अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। अवरोधन का दोस्तों देखते हैं, बच्चों का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुक जाना, मतलब भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपके डीएलएड में मान लेते सेमेस्टर बैक लग जाती है, आपको दोबारा पढ़ना पड़े, वो आपका अवरोधन होगा। और अपव्यय में ये समझ लीजिए, अगर आपने डीएलएड को बीच में छोड़ दिया तो आपके पैसों की खर्च होगी बस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, इनका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के 2 अधिकार आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य कार्य मतलब हम लोग देखते हैं, 3 मुख्य कार्य। पहला दोस्तों भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, दूसरा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, तीसरा विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास्य अवरोध लाना। इसके दोस्तों उद्देश्य को हम जरा देखते हैं, 6 से लेकर 11 वर्ष के सभी बच्चों को 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, दूसरा सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% से कम करना, ठीक है ना, आपको कम करना था। बेस लाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की संप्राप्ति स्तर में 25% तथा अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था, ये प्रारंभ की बातें देखिए। यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी दोस्तों, जिसमें आपका इलाहाबाद था जिसका नाम अब प्रयागराज, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के आपको 2 उद्देश्य यहाँ पर आपको बताने हैं। तो पहला उद्देश्य दोस्तों नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा बालिकाओं को आर्थिक सफलता प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को आपको बताना है, ठीक है ना। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, SCERT, नाम तो वो सुना होगा जैसे NCERT होता है, वैसे आपका SCERT होता है, इसका हिंदी में नाम पूरा याद रखिएगा। के दोस्तों कार्य हम जरा देखते हैं। देखिए पहला दोस्तों कार्य, प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। दूसरा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास करना। तीसरा दोस्तों शोध, सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या रहा कि
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या दोस्तों एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स कुछ चीजें हैं दोस्तों, आपको ये बाद में पता चलेगा। तो ब्रिज कोर्स दोस्तों पहले इसका हम लोग आज से समझते हैं। ब्रिज कोर्स से तात्पर्य है कि ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए दोस्तों ब्रिज कोर्स कराया जाए। देखिए दोस्तों, अभी जो आपका सुपर टेट का आपका पेपर होता था स्टार्टिंग में, हम आपको बता दें उसमें बीएड के छात्रों को ब्रिज कोर्स मानता है। जैसे दोस्तों प्राइमरी में अगर टीचर बनना चाहते हैं बीएड के छात्र, तो वहां पर ब्रिज कोर्स इनको कराया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं आपको बतानी है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा में, ठीक है ना, कक्षा एक में मतलब सीधे प्रवेश करते हैं, कक्षा एक के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी भी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता। तो बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक दोस्तों बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो निस्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से दोस्तों वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य है कि किसी द्रव का छन छन कर जैसे नीचे जाने से। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग की दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या है, आपको यह बताना है। तो जरा दोस्तों इसके देखते हैं प्रमुख संस्तुतियां। इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। दूसरा दोस्तों है कि शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। तीसरा दोस्तों बिंदु था शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए आपका डायट कॉलेज जैसे ना, तो डायट की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या नहीं थे, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 26A, ठीक है, के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात नहीं थे। राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है, तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त नहीं है। फिर कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला क्वेश्चन, मिशन स्कूल स्कूलों की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो पहला दोस्तों विशेषता है कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा दूसरा क्या है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। चौथा दोस्तों, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या थे, आपको ये बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से या पहुंचाने से। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 आपको बताना है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां क्या थी? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, सन 1901 में लॉर्ड कर्जन से शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए, जो कि मतलब जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्ति किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया, यह आपको बताना है। संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए, यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। फिर हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है, स्पष्ट आपको करना है। दोस्तों ये आपकी यशपाल समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। फिर आपका एनसीएफ
टीई 2009 क्या है? शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 एनसीएफटीई 2009 शिक्षा, ठीक है ना, जो आपके शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका प्रमुख उद्देश्य योग्य पेशेवर और मानवीय स्कूलों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं चार वस्तुओं के आपको नाम लिखना है। तो पहला दोस्तों आपका वही हो गया शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक हो गया, कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे मानवीय ग्लोब चार्ट हो गया, तीसरा खेल सामग्री व खिलौने, चौथा विज्ञान किट। अगला प्रश्न हमारा पी मोस्ट क्या आपको ये बताना। देखिए यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना है। एसओपीटी का पूरा नाम आपको लिखना है। तो एसओपीटी का पूरा नाम होता है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एनपीई जीवीएफएल प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है आपको ये बताना है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या डीपीईपी किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन क्या रहा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। तो दोस्तों यही वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस वीडियो सीरीज से आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा जिसमें हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया, और पार्ट 3 में दोस्तों आपको लघु त्रि प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर भी कर देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों जल्दी से आप जाइए पार्ट 1 देख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट 3 में लघु त्रि देख लीजिएगा, फिर आप पेपर के लिए तैयार होंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर को देखने के बाद फिर आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।